लोगों को कुचल कर लोग भाग जाते हैं, बास्केट में सब की कोशिश चल रही है प्रयास, और ये इन है 22-17 और सेंट जोसेफ के हक में एक बार फिर से स्कोर 17 और लगभग 34 का अंतर हो गया। चेंज ये का है खेल बचा अभी भी जीत के हौसले बुलंद है। 20-34 14 पॉइंट का अंतर बरांतर में ही है। प्रतिभा डाल जाए तो प्रतिभा के ये फिर से बढ़िया अच्छा मूव तो अच्छा खिलाड़ी भी बेकार मुकुल और मोहित के बीच में तो आंखों का इशारा था, वो आंख मिलते ही बिखर गया। वो लगा कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छी जुगलबंदी बनेगी, कुछ अच्छा स्कोर बन पाएगा, लेकिन वो सपने धरा। संजय जोसेफ थोड़ा सा गेम ढीला कर रही है, टाइम पास करने की कोशिश कर रही है, आखिर उसके पास लीड है और यह भी एक टैक्टिक्स होती है, स्ट्रेटेजी होती है अगले मैच के लिए अपनी ऊर्जा बचाई जाए। कोच ने कुछ ऐसे भी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, समय देखने आगे, देखो जैसा मैं कह रहा था कोच समय देखने आगे, और एक अच्छी रणनीति होती है खिलाड़ियों को रिलैक्स किया जाए, बॉल को अपने पास रखा जाए, होल्ड रखा जाए और विपक्षी टीम का टाइम बर्बाद किया जाए। ये पॉइंटर पहली बात हो गई, पेनल्टी की पहली बात, दूसरी होगी तो पॉइंट मिलेगा, कितने पॉइंट मिलेगा, एक एक पॉइंट, एक एक तीन मिलते हैं। अब ये दूसरी हुई है, अब एक पॉइंट दो हो गई, दो ही होती है और ये 22-34 प्रतिभा के पास अभी भी दम है, प्रतिभा के पास ये एक बार ये बड़ा लकड़ी घबराहट की वजह से हो रही है, टेंशन सिर्फ ग्राउंड में बैठे प्लेयर्स के पास ही नहीं है। और देखिए स्पीड तो देखिए, एक बार सीता मात खा गए इस तरह से भाग रहे, बॉल को छोड़ना ही नहीं चाह रहे, फिर से 2 पॉइंट 36-38 और यूं लग रहा है कि मैच प्रतिभा के हाथ से थोड़ा सा ढीला पड़ता जा रहा है। 20-38 18 पॉइंट की बढ़त और निकाला है, मौका बनाया है लेकिन एक खिलाड़ी को घेर लिया है, एक अकेला प्लेयर कितना करेगा, ये लगने लगा है कि अब विराट कोहली जो प्रतिभा के थे वो भी अपने आप को थके हारे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वन मैन शो कब तक चलेगा। एक बार फिर से चेंज, बिंदु मैम ने लास्ट मूव लिए हैं, दो प्लेयर्स बुलाए, दो प्लेयर्स को चेंज करने जा रही है, नई ऊर्जा भरना चाह रही है टीम में, लास्ट में किस तक दी है बिंदु मैम की और दिखा दिया है ये दो बच्चे जो खिलाड़ी है वो चाहिए और ये खाली से और नहीं कि बास्केट में ये कहते हैं अंक बने पड़े थे, पॉइंट बने पड़े थे और ये कोऑर्डिनेशन और डेडिकेशन और विक्ट्री का साइन बनाने की तैयारी लगभग सेंट जोसेफ के करने लगे हैं। और मोहित के पास फिर से, मोहित के पास, मुकुल के पास, मुकुल कैप्टन भी है, मुकुल ने एक अच्छा पास नहीं बना पाए, मुकुल अच्छा मूव हो सकता था, मुकुल ने कोशिश किया, फिर से मोहित के पास, मोहित अच्छा पास, मोहित का अभी भी बॉल अंदर है, अभी भी बॉल अंदर है, क्या था बॉल अच्छी, और किसे मिला, आपको मिला, आपके हक में है, चेंज चेंज बॉल नहीं दी, दो प्लेयर दिए, लास्ट 4 मिनट है, लास्ट 4 मिनट का लाइव करेंगे, उसके बाद पूरे मैच को प्रसारित करेंगे आज हम इसको, और हमारे संदीप वहां जुड़े हुए हैं, संदीप किशियार समाज के हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन से मेहनत कर, लास्ट 4 मिनट है और मैच का रोमांच देखिए, 22 अंकों की बढ़त है, 4 मिनट में 22 अंक नहीं तो बॉल भी सेंट जोसेफ के पास ही है, जोसेफ अपना स्कोर बढ़ाने में लगातार और दिए देखिए 2 अंक और 44 मैच हाथ में, मोहित
खिलाड़ी जीडी गोयनका के हैं और हमारे लिए भी गैरल बिहार के लिए कैसा मैच चल रहा है अभी, कैसा लगा? अभी तो अच्छा मैच चल रहा है। आप किसका पूछ रहे हैं, हमारा या फिर उनका? जो मैच चल रहा है कैप्टन छुप रहे हैं और सब कह रहे हैं तुम ही कैप्टन हो और कैप्टन को पता ही नहीं मैं कैप्टन हूँ, तुम कैप्टन हो? कैप्टन बताइए कैसा मैच चाहिए, तुम्हारी कितनी तैयारी है? हमारी तो बहुत तैयारी है, लेकिन कल हमारी भी ना, हम भी विनर बनेंगे। कल जीत जाओगे या आज बता रहे हो? कल जीत जाएंगे, भविष्यवाणी कर रहे हैं। हम आएंगे और हमारे साथ जरूर आना, हमारी टीम का लास्ट के 2 मिनट चल रहे हैं, हमारे साथ डीएजी दयानंद बिहार के लिए कोच हैं। स्वागत सर, आपकी टीम जीती है, क्या कहेंगे अपनी टीम के बारे में? जीत एक साल भर की तैयारी का आज प्रदर्शन था। साल लीजिए, सालों भर की तैयारी। कितनी खुशी होती है सर जब बच्चे के गीत के गाते? ठीक, ये देख रही है ये जीत की खुशी और ये लम्हात और खुशी यूं भी नहीं पचाई जाती। मैं कंटा से कहूंगा एक बार फिर से कैमरा ग्राउंड की तरफ देखें, आखिरी पलों की तस्वीरें शेष है और स्कोर 20-46 20-46 और प्रतिभा कोशिश करती हुई कि लास्ट में कुछ तो अंतर कम कर पाए। जद्दोजहद जारी है, जंग जारी है, जुनून जारी है, जीत जारी है और ये बास्केट, जीत जुनून जीत के बीच में ये अंक बदल ही दिया आखिर। और ये लीड जो मैं कह रहा था, 3-pointer एक बार फिर से था उनका, 50-50 स्कोर हो गया 23-46। 90% नंबर 3-pointer से मिले हैं प्रतिभा को, लेकिन पास प्रतिभा कोऑर्डिनेशन भी कर पाती और ये ढीली चाल थी चौधरी की, बहुत स्लो मूवमेंट, यूं लग रहा था बॉल सेंट जोसेफ को ही देना चाह रहे थे। अच्छा अटेम्प्ट में एक इंजरी, बड़ा अच्छा प्रयास था सेंट जोसेफ का और इंजरी है वहां पर। भारती मूव कर रही है, कैमरा क्लोज दिखाने की कोशिश कर रही है, भारती मूव कर रही है और ये क्लोज इंजर्ड है कोई प्लेयर और विसल बज रही है, शायद टाइम आउट है। प्लेयर जमीन पर पड़े हुए हैं, दुखद लम्हा है और ये स्कोर वो 23-46 लगभग 23 ही पॉइंट से हार की कगार पर खड़ी है इस वक्त प्रतिभा की टीम। सिर्फ 3-pointers के दम पर ये जीतना चाह रहे थे, 3-pointer ही, जबकि आपस के कोऑर्डिनेशन, आपस के पासेज, आपस के इनका सामंजस्य नहीं बन पाया और उसकी वजह से मैच खत्म हो गया। कुछ वक्त अभी और बाकी है, मुझे लग रहा है कि एक बार मैं स्कोरर्स की तरफ चलूंगा। तो टीम निराश है, दुखी है, अब गए आपको एक भी बॉल नहीं मिली, फाउल तो उनके लिए नहीं थे, चीटिंग गेम चल रहा है, शायद आपको पता नहीं होगा फाउल के भी होते, लेकिन आपने देखा, आपको क्या पता है? ये हारने के बहाने भी होते, हार गए लगभग, हार ही गए, नहीं यार, हारना वो होता है जो